जमशेदपुर के साँचे स्थित एक होटल में सुश्री श्रेनिया सोनी की स्वरचित कविताओं और कहानियों के संकलन की एक पुस्तक हेटफुल स्टारडस्ट का विमोचन किया गया, जहां श्रेनिया की इस उपलब्धि में उनकी मां निशी सोनी और पिता अशोक सोनी का पूर्ण योगदान रहा। बता दें कि श्रेनिया शहर के सेक्रेट हार्ट स्कूल की पूर्व छात्रा रही है और वर्तमान में बेंगलोर के माउंट कार्मल कॉलेज की छात्रा है। श्रेनिया कहती है कि हम मानते हैं कि मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना है, लेकिन मेरी निजी राय में हर एक शरीर एक स्टार की भांति है जिसमें कुछ न कुछ प्रतिभाएं छुपी हुई है। श्रेया भी एक स्टार है जिसके हेड यानी सोच की ये कृति है। इस विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ जमशेदपुर के DIG डॉक्टर अंशु शुक्ला थे। Giving birth to a child is probably the best thing a person can have in a life. I had been a father, I'm not that fortunate to be a mother, but those who have been a mother would vouch for me that when you have the child in your hands, when you give birth to a baby girl or baby boy, more so a baby girl, you have a sense of creation. You have a sense of accomplishment. Shania, in such a tender age, such a young age, has accomplished that sense of. Okay. Feeling, I am very excited. Feeling on the top of the world. और शायद उनकी बेटी से भी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उसने जो मेहनत की है, जो उसने सोचा था, वो आज अचीव की है। और अगर बेटी अचीव करती है तो उसके फादर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, माँ से भी ज़्यादा। हालांकि फादर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ना ही उनकी कोई सुनता है, बट है बहुत ही खुशी। और मैं यही विश करूँगा कि और भी आगे जाए और सभी लोगों का नाम रोशन करें और सभी लोग उसको, हम लोगों को उसके नाम से जाने। थैंक यू। थैंक यू। अपनी बेटी को इस मुकाम पे आते देख करके बहुत खुशी हो रही है। ये जैसे कि उसने सपना देखा था कि मतलब जैसे कि आपको पता है कि वो 13 ईयर्स से लिख रही है, 13 ईयर्स 13 साल की उम्र से उसने लिखना शुरू किया और उसके बाद वो धीरे धीरे, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये एक राइटर बनेगी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी क्वालिटीज़ और निखार आते थे, जैसे पोइट ऑफ बैंगलोर की भी मेंबर रही है, इसमें बहुत सारी निखार आ गई। और उसके बाद इसने जैसे इसने सपना देखा और हम लोगों ने उसे पंख दिया, बस ये अब उसकी उड़ान है। ये पहला बुक है और उम्मीद करते हैं और हम सबका आशीर्वाद है कि ये और आगे जाए। थैंक यू मैम। We are very proud of her. Actually, she makes us proud, and being the first girl of our family, so she has done very well. उनको देखकर सारे दूसरे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा appreciate होंगे और हम लोग यही भगवान की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत आगे जाए, उनके साथ साथ पूरी फैमिली का नाम रोशन होगा, जो भी उनके फैमिली मेम्बर से बड़े हैं सबका आशीर्वाद उसके साथ है। श्रेना, वी ऑल लव यू एंड होप फॉर द बेस्ट। All the best, God bless you.